हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है चैनल राजकोट के आज के नए व्लॉग में। आज मैंने मेरा ये व्लॉग शुरू किया है सुबह करीब 6:30 बजे आसपास टाइम हो रहा है और मेरा अभी काम है किचन में, तो किचन में ही मैंने मेरा व्लॉग स्टार्ट किया और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ टिफिन की। तो उसके लिए मैंने सब्जी चढ़ा दिया और इधर सब्जी बन रही है और इधर मैंने आटा लगाने की तैयारी कर ली है और यहाँ मैं बनाने वाली हूँ गोभी के पराठे नाश्ते में, तो इसको भी मुझे कसना है अभी, तो मैं लग जाती हूँ काम को। की नींद मूड तो नहीं? बाय, टाटा टाटा। नींद मूड तो सोच रही हुई हो कहीं मेरे साथ। अकी टाटा, ये तो मजा आ रहा है, चलो ले जाओ घूमा बने रहो। ओटीपी पूछेगा वन पर मोनू बसन। अकी बाय तो कर दो। राजा राजा जब पता नहीं बड़ा अभी घर का सारा काम करने के बाद अभी मैं बैठी हुई और आज मैं घर पर अकेली हूँ क्योंकि आज अक्की भी नहीं मेरे साथ। पिछली बार मतलब मम्मी भाई साहब मम्मी की पलक भाई साहब गए थे तो अक्की मेरे पास था, लेकिन आज अक्की भी गया क्योंकि पलक भाई साहब गए हैं, उनके कुछ एडमिशन्स वगैरह करवाने हैं तो गए हैं वापस और कह रहे हैं थोड़े दिन बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन मम्मी जी उनके साथ गए तो मम्मी जी और अक्की सब तीनों लोग जा चुके, तो मैं हूँ घर पे अभी अकेली हूँ। और वैसे मेरे हस्बैंड का जाने का प्लान था उनको लेके, लेकिन उनका टाइमिंग बैठ नहीं पा रहा था, फ्री नहीं हो पा रहे थे जॉब से, जिसकी वजह से फिर मम्मी जी को जाना पड़ा। तो मम्मी जी पलक पायसा और अक्की अभी जा चुके हैं और अभी फिलहाल मेरा घर का सारा काम हो चुका है, तो काम तो कुछ भी नहीं है। सोच रही हूँ जो मैंने पहले का ब्लॉग वगैरह बना के रखा है वो एडिट कर लूँ तो वही कर लेती हूँ मैं। जैसा कि मैंने एक मेरे ब्लॉग था मिंत्रा वर्सेस मीशो नाम से, तो उसमें मैंने जैसे उसके प्रोडक्ट्स दिखाए थे कि कैसे क्या निकले, अकेले ड्रेसेस मंगवाई थी, तो मीशो पे मिंत्रा पे तो हमें कैश मतलब अमाउंट वापस आ गया था हमारा, और मीशो पे हमने रिटर्न किया लेकिन उन्होंने भी हमें अमाउंट वापस कर दिया था, लेकिन हमने फिर से वही चीज ऑर्डर की तो उसका वो आज डिलीवर हो गई है। तो आज इसे चेक करते थे कि क्या निकलता है इसमें, क्योंकि पिछली बार तो बिल्कुल अलग चीज निकल गई थी, अब की बार भी मैं आपके सामने से खोलूंगी, देखते हैं क्या निकलता है। मुझे कैंची भी नहीं मिल पाई, तो मैंने चक्कू से धागा हथियार और कौन सा कुछ इससे करके आपके सामने से ऊपर देखते अब की बार क्या निकलता है इसमें। बहुत दिखने में तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, कोई के देख के कलर भी सेम वही है। पिछली बार क्या हुआ था, कलर में चेंज आ गया था, हमने एक कलर ऑर्डर किया था ग्रे कलर और आया था ब्लू कलर, और स्लीवलेस ऑर्डर किया था और स्लीव का आया था। अब की बार देखते कैसे क्या है, कलर बिल्कुल सेम है, पैटर्न मतलब वैसे डिजाइन वगैरह भी सेम दिख रही है। हाँ ये मीना बार अब की बार निकला है वही जो हमने चूज किया था, बिल्कुल वही चीज।
और नाप भी मुझे बिल्कुल अच्छी थी, फिट लग रहा, समर के अकॉर्डिंग बिल्कुल बढ़िया। अच्छा हमने मंगवाया तो वही आ गया। फाइनली दूसरी बार ऑर्डर करने के बाद, एक बार रिटर्न करने के बाद उन्होंने हमें अमाउंट ट्रांसफर करके फिर से, और हमने दोबारा ऑर्डर किया, तब जाके कुछ सही चीज करिए। चलो मुझे उससे मिला तो सही कुछ तो। और मैं आपको बताऊँगी काफ़ी सस्ती आ गई हमारे यहाँ, क्योंकि यार 150 से कम ही था उसमें ये ड्रेस आ गई। मीशो पे क्या है ना कि आपको मतलब कम कम रुपये में चीज़ें मिल जाती है, और ड्रेस 132 रुपये मुझे याद है, हाँ शायद 132 रुपये, 132 रुपये अगर आपको ऐसी ड्रेस मिलेगी तो और क्या चाहिए, मिडिल क्लास फैमिली मतलब यही चाहती है कि उसे सस्ता सुंदर और टिकाऊ चीज़ मिल जाए, तो वही आपके बारे में नहीं है। सो आई एम हैप्पी विद दिस समथिंग। अभी शाम के 4 बज गए हैं और मम्मी जी अक्की वगैरह आने में तो लेट हो जाएंगे, तब तक मैं सोच रही हूँ क्या काम करूँ, मैं कुछ तो कर लूँ, मतलब ये जो फ्री टाइम है उसको यूज़ में ले लूँ, मैं क्या करूँ, कुछ रसोई का कर लेती हूँ। हाँ ठीक है। तो मैं फ्री बैठी थी तो मैंने सोचा चलो ये सब्जी साफ कर लेते हैं। ये है गवार की फली और इसमें बहुत टाइम लगता है, और सुबह में अगर मेरे को बनाना हो ना तो टिफिन में तो बहुत टाइम लग जाए, लेट कर दूँ मैं उनको ड्यूटी जाने में। तो मैं सोच रही हूँ पहले से इन्हें तैयार करके रखूँ, हालांकि मुझे कल तो नहीं बनानी है क्योंकि कल के लिए दूसरी सब्जी रखी है जो कि फ्रेश ही यूज़ लेनी चाहिए, तो ये तो बाद में भी काम आ सकती है, लेकिन मैं सोच रही हूँ इनको काट पीट के तैयार करके रखूँ, जब भी बनाना सीधा बस मतलब फ्राई किया सब्जी बनाई और बस काम खत्म। तो पहले मैं इनको काट लेती हूँ अच्छे से, टाइम फ्री बैठी हूँ सोच रही हूँ ये काम कर लूँ, आगे का टाइम बच जाएगा, मॉर्निंग में मुझे मतलब परसों नरसों जब भी ये सब्जी बनानी हो उस टाइम का ही टाइम बच जाएगा मेरा। तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ अभी। आज भी मौसम तो सही हो रहा है लेकिन आज कहीं नहीं जाना हमें, आज हम मुझे घर ही रहना है। अभी मम्मी जी और अक्की दोनों आने वाले हैं, रात के 8 बजने वाले हैं और अभी तक वो दोनों आए नहीं है, उनका आना हो नहीं पाया। तो मैं सोच रही हूँ तब तक के लिए मैं डिनर ही बना के तैयार रखूँ। तो मैंने सब्जी तो ऑलमोस्ट बन चुकी है, तो बस लास्ट में थोड़ी सी पका लूँ उसको। मैंने खाना भी बना लिया है, खाना खा भी लिया है, बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दिया, रसोई भी पूरी साफ़ कर दी, मतलब मेरा सारा काम हो गया, लेकिन अभी तक वो लोग नहीं आए। तो मैं सोच रही हूँ अब मैं फ्री हूँ तो बैठे मुझे वेट ही करना, तो क्योंकि बाहर जाके वेट कर लूँ मैं, तो वैसे भी आने वाले होंगे, अभी 9 बजे के आसपास टाइम हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ बाहर जाके बैठ जाती हूँ मैं। सो लेट्स गो। पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ बैठी हूँ और वो लोग अभी तक नहीं आए। अकी अकी अब गाड़ी देख रहे हो, पप्पन देख रहे हो, तो कहाँ आ गया, हाँ समझ नहीं आ रहा यार, क्यों मुंह रहे देखो क्या हाँ नहीं आपने कह रहे चलो ये नींद को नूडी अभी तक। अकी कहाँ जाते हैं इधर, कहाँ घूमे घूमे करके आया, वहाँ जाके आया जी।